नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेकर आए जो राजस्थान भर्ती 2019 से संबंधित है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, तो जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बताया, राजस्थान भर्ती 2019 डेयरी में कर्मचारियों की भर्ती, तो जो डेयरी के अंदर भर्ती है उसी से संबंधित आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों, अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को भी जरूर लाइक करेगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो अजमेर राजस्थान की डेयरी से संबंधित भर्ती से ये न्यूज है। डेयरी में कर्मचारियों की भर्ती हुए दूध का समर्थन मूल्य देने का उठाया मुद्दा। तो 1985 के बाद अभी तक जो कुछ भी वैकेंसी नहीं निकली है जो राजस्थान की डेयरी का संघ है उसके अंदर। तो अपन देखते हैं इस न्यूज को जूम करके क्या इसके अंदर बता रखा है। तो आप सभी देख सकते हो जो गोपालन मंत्री बने अपने अजमेर से प्रमोद भाया जैन ने, जो अजमेर के अध्यक्ष है रामचंद्र चौधरी को आश्वित किया, जो आश्वत किया कि वाजिब मांगों को पूरा किया जाएगा। तो आप सभी इस न्यूज़ को जूम करके देख सकते हैं। राजस्थान सरकार के गोपालन एवं जो खनन मंत्री है प्रमोद जैन भाया ने अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आश्वत किया है कि डेयरी से संबंधित समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। एंड डेयरी ने गोपालन मंत्री जो जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है की ओर से प्रदेश के विभिन्न दूध उत्पादकों संघ एवं जो RCDF के मुख्यालयों में खाली पदों पर भर्ती करने के लिए स्वीकृति दिलाने के लिए ज्ञापन दिया है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सारी पद इसमें खाली है। लगभग 80% पोस्ट है जो डेयरी संघ है उसके अंदर पोस्ट खाली है, जिसके अंदर आपके ITI वालों के लिए वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है इसी के अंदर। क्योंकि जो पिछली बार एक बार न्यूज़ आई थी जिसमें बता रखा था कि जो डेयरी के अंदर आपके जूनियर अकाउंटेंट, LDC एंड जो ITI की काफ़ी सारी पोस्ट है वो खाली है। एंड जो 8वीं के लिए सहायक के पदों पर विभिन्न पदों पर वैकेंसी से संबंधित सूचना आई थी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि 1985 दूध संघों और RSDF में भर्ती नहीं की गई है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं 1985 से अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है डेयरी के अंदर। इसी कारण संघ में जो 20% पद ही बचे हैं, यानी कि जो 20% पद ही अभी जो स्टाफ काम कर रहा है, 20% बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यानी 80% पद अभी खाली है। तो उसके अंदर वैकेंसी होगी, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो भी राजस्थान डेयरी के अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट से ग्रेजुएशन से लेकर ITI 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास एंड जो लेब असिस्टेंट की इसके अंदर वैकेंसी निकलेगी जो अपने दूध की जांच करते हैं, तो जो इस प्रकार की वैकेंसी निकलेगी। एंड जो रिटायरमेंट की उम्र भी जो 60 से 62 साल की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जो डेयरी के अंदर वैकेंसी आपकी अजमेर डेयरी एंड जो भीलवाड़ा डेयरी, जयपुर डेयरी एंड जो राजस्थान की सभी जो सहकारी डेयरी के अंदर वैकेंसियाँ आने वाली है। तो ये न्यूज़ आप सभी को देनी थी दोस्तों, आप सभी देख लीजिए। और अगर आपको ये न्यूज़ कटिंग चाहिए तो लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1985 के बाद अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो जल्दी वैकेंसी आने वाली आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगा एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।